भागवत कथा श्रवण कराया था। इसलिए ये स्थान अत्यंत अत्यंत पवित्र स्थान है, जहाँ पर भागवत कथा रूपी गंगा जहाँ पर प्रवाहित हुई थी है। इसलिए अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पर, जहाँ पर गंगा किनारा में जब श्री परीक्षित महाराज को अभिशाप लगा, तो अभिशाप लगने पर लेकिन परीक्षित महाराज के अंदर में इतने शक्ति थी, ये अभिशाप को ये दूर कर सकते थे, उसका आवाज बंद कर दो। इसलिए कहते ये अभिशाप को ये दूर कर सकते थे, इनके अंदर में इतने शक्ति थी, लेकिन उन्होंने जान बूझ करके उन्होंने अभिशाप को उन्होंने ग्रहण किया। बोले उन्होंने क्यों ग्रहण किया, बोले कारण है आप लोग देखना, मरने से एक सेकंड पहले किसको पता नहीं चलता है हम मरने वाले, किसको पता चलता है मरने वाले, लेकिन किसको पता नहीं, लेकिन वो सोच रहे हैं ठाकुर जी की तो मेरे ऊपर में बहुत बड़ी कृपा है, सात सात दिन पहले ठाकुर जी हमें सूचित कर दिया, तेरे पास में सात दिन है। केवल श्री परीक्षित महाराज के पास में सात दिन नहीं, हमारे पास में सात ही दिन है। कितना दिन है, जोर से बोलो। उनको तो पता था सात दिन पहले मरने वाले नहीं, लेकिन हमें ये बात पता नहीं। और दिन सात ही है, दिन कभी आठ होता ही नहीं, दिन कभी आठ नहीं होता है। अगर मरना तो ये सात दिनों में एक दिन हमें ये शरीर छोड़ना है। इसलिए श्री परीक्षित महाराज अभिशाप को ग्रहण कर लिया, भैया कम से कम सात दिन तक भगवान की कथा तो श्रवण करते करते जीवन तो बीत जाए। इसलिए जब परीक्षित महाराज को अभिशाप हुई, उन्होंने सारे राज संपत्ति को छोड़ छाड़ करके, उसी समय में वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, संपूर्ण ससागरा धरा पृथ्वी का एक छत्र राजत्व तो श्री परीक्षित महाराज का था। इतने संपत्ति को उन्होंने छोड़ करके कहां पर आए, यहीं पर आए, यहीं पर आ गए। क्यों संपत्ति को छोड़ दिया जानते हैं, बस आंख बंद होते ही एक सुई धागा भी हमारे साथ में यहां से जाने वाले नहीं। पत्नी आएगी तो रो रो कर दरवाजा तक आ जाएगी, परिवार लोग आएंगे तो शमशान तक आएंगे, उसको आगे कोई भी साथ में जाने वाले नहीं। अगर साथ में जाएगा तो क्या जाएगा, बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जीवन में जितने प्रभु का नाम हम जप कर रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति भजन पूजा कर रहे हैं, केवल हमारे साथ में केवल वही जाने वाले, और कुछ भी हमारे साथ में जाने वाले नहीं। इसलिए श्री परीक्षित महाराज सर्वस्व को त्याग दे करके इन्होंने यहीं पर आए। बोले कहां पर, बोले गंगा किनारा में आए। बोले गंगा किनारा में क्यों आए, बोले जो गंगा कौन है आज जाने, तो कौन सा तिथि, बहुत बढ़िया तिथि आज है, आज गंगा दशहरा है, आज श्री पतित पावनी गंगा स्वयं ये मरते जगत में गंगा की प्रादुर्भूत हुई। बोले श्री गंगा देवी की, जोर से बोलो, कोई जय कोई हे बोलते, जोर से बोलो, बोले श्री गंगा देवी की। इसलिए आज का दिन इसी जगत में गंगा भी जगत में प्रकट हुई है। इसलिए भगीरथ ने ये पतित पावन गंगा को जगत में ये भगीरथ ने प्रकट किया। बोले क्यों, बोले उनको जो पूर्वज लोग थे, सगर महाराज को जो 10,000 संतान थे, ये कपिल मुनि के अभिशाप से सबके सब जल करके राख हो गए थे। बोले इनकी उद्धार कैसे होगा, बोले अगर गंगा आ जाए तो बोले गंगा की स्पर्श से इनकी उद्धार हो सकता है। इसलिए इनके पूर्वज लोग हैं, बहुत बहुत पूर्वज अंशुमान दिल्ली पे आदि हुए, बहुत कोशिश किया गंगा को लाने के लिए, लेकिन कोई नहीं ला पाए। लेकिन भगीरथ ने उन्हें गंगा को संतुष्ट कर दिया, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं कर पाए। बोले क्यों, वो लोग भी तो भगवान की गंगा को खुश करने के लिए उन्होंने भी तपस्या की, लेकिन उनको क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए, कि भगीरथ क्यों हुए। इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हुए, वो जो गंगा को तपस्या करने के लिए गए तो रिटायर्ड लाइफ में सारे घर गृहस्थी करके सारे एनर्जी जब खत्म हो गया, तब उन्होंने उसी समय में गए थे गंगा जी को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन संसार करते 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 हृदय में तो सारे संसार ही बैठा हुआ है। संसार करते करते कोई कहते ना, अरे जो बूढ़ा हो जाएंगे एक दो माला कर ही लेंगे, भैया इतने आसानी बात नहीं है, हृदय में जो भरा हुआ वही तो निकलेगा। आप बैठो भजन करने के लिए, देखना जिंदगी भर जो कुछ किया वही याद आएगा। लेकिन ये भगीरथ क्यों संतुष्ट कर दिए,
बोले उन्होंने कम उम्र में उन्होंने देखा मेरे पूर्वज लोग दुख कष्ट पा रहे हैं और मैं ये विषय भोग करूंगा, इसलिए उन्होंने गंगा जी को एकदम एक मन से उन्होंने गंगा जी की तपस्या की। अरे गंगा प्रसन्न हो गई, बोले बेटा वर मांगो, बोले मेरे पूर्वजों को उद्धार करना चाहता हूँ, बोले आप कृपा करके पधारो। बोले मेरे पास में दो समस्या है, बोले पहला समस्या है मेरे बेग इतना तेज है ये बेग को कौन धारण करेगा, दूसरा समस्या है अगर ये मरते जगत में आऊंगा तो बहुत पापी लोग आएंगे, हम कहते ना चलो गंगा नहा कर आते हैं, बोले क्यों पाप को धो करके आ जाए, सारे लोग स्नान करेंगे तो सारे पाप छोड़ करके जाएंगे, अब ये पाप से मेरे को मुक्ति कैसे होगी, इसलिए ये दो समस्या को हल कर दो फिर मैं आऊंगी। फिर उन्होंने बोले कौन धारण कर सकता, श्री भोले बाबा को उन्होंने संतुष्ट किया, शंकर जी को है, शंकर जी को संतुष्ट कर दिया और बोले मेरी पाप से उद्धार कैसे होगी, बोले भैया जब पापी लोग स्नान करेंगे पुण्यात्मा संत भी आएंगे तो स्नान करेंगे संत भी, अरे संत का जब चरण स्पर्श हो जाएगा क्यों, बोले वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, बोले संतों का हृदय में भगवान का निवास होता है, जब भगवान का निवास होता है संतों में इतने शक्ति है, बोले तीर्थ कुर्बन तीर्थांति, कहते तीर्थ को भी अगर कोई पवित्र कर सकते हैं ये संत ही कर सकते हैं, बोले संत भी तो स्नान करेंगे उनका चरण स्पर्श से ही सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, इसलिए शंकर जी, बोले शंकर जी धारण करेंगे, बोले हाँ, बोले शंकर जी ध्यान से खड़े हो इतना तेज है तुमको पाताल में ले जाऊंगी, बोले कोई चिंता नहीं जितना ताकत लगा दो, शंकर जी कौन है, भगवान की परम भक्त भोले बाबा शंकर जी हैं, जो देव देव महादेव जो योगी योगी महायोगी सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम, बोले कोई चिंता नहीं शंकर जी त्रिशूल लेकर खड़े हो गए, बोले जितना ताकत लगा दो, ए गंगा कहाँ से आई, ब्रह्म लोग से ब्रह्मा जी के कमंडल से वहां से गंगा प्रकट हुई और हो करके जब आई तेज को साथ में शंकर जी उन्होंने अपना जटाग उन्होंने ऐसे फैलाया गंगा तो आई और जटा में ही समा गई, बोले श्री गंगा देवी की, इसलिए पूरा जटा में समा गई गंगा, भगीरथ ने तो गंगा तो आई गई कहाँ, बोले शंकर जी जटा में ही समा गई, फिर ने शंकर जी को संतुष्ट किया, बोले भैया की भगवान की चरणामृत, भगवान की चरण धोए थे ना ब्रह्मा जी कमंडलों में रखे थे, बोले भगवान की चरणामृत थोड़ी देने का लायक, उसको तो पीने का लायक, बोले थोड़ी सी दे दो, फिर उन्होंने एक जटा से थोड़ी सी निकाल दिया तो फिर ये गंगा देवी प्रवाहित तो होते 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 गंगा देवी है, फिर चंद्र कहाँ पर गए, गंगा सागर में मिली, कहते वहीं पर ही सगर महाराज को जो 10,000 संतान सबके सब जल करके राख हो गए थे, कितने हजार साल पहले मरे, वहां पर कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन देखो ये गंगा की कितने पवित्रता, ये चीज देखो कितने हजार साल पहले मर करके राख बन गई थी, लेकिन गंगा जब केवल उसको ऊपर उभरते हुए चली गई, बस 10,000 बच्चों का मुक्ति हो गई, उनको भगवत गति प्राप्त हुई, इतने ये गंगा देवी की इतने महिमा, इसलिए आज गंगा दशहरा है, इसलिए कहते गंगा तीन गंगा है, कितने गंगा है, क्या क्या, बोले एक गंगा है स्वर्ग लोक में जिसका नाम मंदाकिनी, वो स्वर्ग लोक को कल्याण करती है, एक गंगा है हमारे मर्त्य जगत में भगीरथ ने लाया इसलिए इनका नाम भागीरथी, कहते जो तीसरा गंगा ये पाताल लोक में रहती है जिसका नाम कहते भोगवती, जैसे ये गंगा ये तीन लोगों को ये गंगा पवित्र करती है, कहते जो भगवान की जो कथा है ना, जो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर जो कथा उन्होंने सुनाई थी, कहते उसी से भी ज्यादा महत्व है कथा रूपी गंगा में नहाने का, क्योंकि जब ये गंगा में नहा लोगे, नहा करके जैसे चले जाओगे इस गंगा में, नहा लोगे नहाने पर क्या होगा, पाप तो धुल गया, फिर जब घर में जाओगे फिर दो बार वही पे फिर पाप करना शुरू कर देंगे, झूठ बेईमानी इधर उधर फिर दोबारा करना शुरू कर दोगे, ये गंगा केवल तुम्हारे ऊपर की पाप को धोने वाले, अंदर की पाप को गंगा नहीं धो सकती है, लेकिन अंदर का गंगा को कौन धो सकती है, बोले संत लोग ये भगवान की जो कथा रूपी गंगा है ये हमारे हृदय को भी ये पवित्र कर सकती है, ये कथा रूपी गंगा, इसलिए श्री परीक्षित महाराज ने यहीं पर आए और यहीं पर आकर गंगा किनारे को आश्रय लिया, बोले गंगा को क्यों आश्रय लिया, बोले गंगा भगवान की चरण से निकली, भगवान की चरणामृत है, कहते भगवान की चरणामृत और भगवान में कोई फर्क नहीं, मानो उन्होंने ठाकुर जी का चरण को उन्होंने यहीं पर आश्रय लेकर के यहीं पर आए और यहीं पर 88,000 ऋषि, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग थे,
है, पहले टेलीफोन टेलीग्राफ कुछ नहीं था, लेकिन उनको ऐसे दिव्य ज्ञान था, अपने आप उनको पता चला अभी यहाँ पर कथा रूपी गंगा नदी की बहने वाली। इसलिए सारे 18 ऋषि यहीं पर सबके सब यहीं पर उपस्थित हुए, और यहीं पर उपस्थित होने पर अब यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज ने सारे ऋषि मुनियों को प्रश्न किया, बोले अद्यवा अब संता तेवा प्राणी नाम मृत्यु वही ध्रुव, आज हो नहीं तो 100 साल के बाद में हो, सबको एक दिन मरने वाला है, आज कल परसों बरसों सबको मरने वाला, इसलिए आप कृपा करके बताओ बताओ जीव को आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले नासो मुनिर्जस मतम न वर्णम, ऐसे कोई ऋषि मुनि नहीं थे जो कि अलग अलग बात नहीं बताए, हैं? किसने बोला महामृत्युंजय पाठ करो, किसने बोला नव दुर्गा की व्रत करो, किसने बोले गणेश जी को पूजा करो सारे विघ्न विनाशन होने वाले, किसने बोला गणेश जी को उसका मैया क्या कहीं चली गई, किसने कहा मैया की इसको बाप को ना शंकर जी को ना पूजा करो ना, अलग अलग ऐसे कोई ऋषि मुनि नहीं था जिसका मत अलग नहीं था। इतने में परीक्षित महाराज ने देखा मेरे पास में कुल 7 दिन बाकी है, लेकिन ये ऋषि मुनि तो आपस में तर्क वितर्क करने में लग गए, लेकिन यद्यपि ये एक ही सिद्धांत में पहुंचेंगे, श्रोतव्य कृति तपस्य स्मर्तव्यम इच्छता वयम, अगर ये भवसागर से कोई अगर पार होना चाहते हैं क्या करो, 3 काम करना, भगवान की कथा सुनो, भगवान का स्मरण करो और भगवान की कीर्तन करो, एक सिद्धांत में पहुंचेंगे, भगवान की भक्ति भजन उनकी कथा के बगैर जीव का कल्याण नहीं। लेकिन कहा वर्षा जब कृषि सुखा है, लेकिन दिन तो साथ ही है और तो है ही नहीं, इसलिए उन्होंने भगवान के चरण में उन्होंने शरणागत हो गए, शरणागत हो गए तो हैं कहते तेसाम सतत जुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, अगर हृदय से अगर कोई भगवान को स्मरण करते हैं, पास भगवान उसको कृपा करते हैं, तो भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, जोर से बोलो, इसलिए हम शुक्र ताल है ना, है? ताल मतलब तल नीचे बैठ करके जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी यहीं पर भागवत कथा सुनाए, इसलिए देखो हम दूसरे जगह पर कथा तो सुनते हैं उसका तो महिमा है ही है, लेकिन यहाँ पर कथा सुनने का जो महिमा है ना, और कहीं भी कथा सुनने का इतना महिमा नहीं, क्यों? यहीं पर ही श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज भागवत कथा सुनाए, इसलिए जहां दूसरे जगह पर कथा सुनाने का जब महत्व है, यहाँ पर कथा सुनने का करोड़ों गुण ज्यादा महत्व है, कितना गुण, करोड़ों गुण ज्यादा महत्व, क्यों? यहीं पर ही श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को उन्होंने कथा श्रवण कराया था, इसलिए आज हम लोग दो गंगा में नहा रहे हैं, एक तो भगवान की चरणामृत से निकली हुई गंगा और ये कथा अमृत रूपी गंगा में भी हम दोनों गंगा में यहाँ पर नहा रहे हैं, मतलब हमारे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है, हमारे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू दोनों हाथ में, क्यों? आज यहीं पर कथा सुन रहे हैं जहाँ पर श्री उन्होंने कथा सुनाया था, इसलिए कहते सुखदेव गोस्वामी कौन है, अभी हम लोग कथा सुन रहे थे, कहते सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण नहीं, कहते प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांतक नन्न रहस्य पाटी निकुंज प्रासाद सदा निवासी, कदी जो सुख है, इसलिए भागवत में देखना हर जगह पर लिखा श्री सुख उबाच, श्री सुख उबाच, श्री मतलब श्रीमती राधा रानी, बीच में एक शब्द नहीं जिसका प्रिया है, प्रिया मतलब श्रीमती राधा रानी, ये राधा रानी की ये प्रिय सुख है, जो राधा रानी के निकुंज मंदिर में रहने वाले राधा रानी जिसको हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिलाया करती थी, कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी, अब कभी कभी इसको कृष्ण रूप मान करके राधा रानी उनको चुंबन करती थी, इसलिए राधा जी की जो अधरामृत ये सुखदेव गोस्वामी थोड़ में लगा हुआ है, इसलिए यद्यपि यहाँ पर एक एक कोई 100 साल 2 साल 5 साल है, बड़े हैं हजार साल का ऋषि मुनि थे, लेकिन जब कथा सुने है ना, नंगे धड़ंगे हैं, शरीर में कपड़े है ही नहीं, और सबसे जो छोटा बच्चा था श्री सुखदेव गोस्वामी, एकदम उनसे ही कथा सुने, बोले क्यों, कारण क्या, बोले जो कारण है ये सुखदेव गोस्वामी कोई ये सुख पखी नहीं, ये कौन है, राधा रानी की पालता सुख है, राधा रानी के निकुंज में रहने वाले, राधा रानी के सारे लीलाओं को दर्शन करने वाले श्री ये सुखदेव गोस्वामी, इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी मुंह से यहीं पर ही 88,000 ऋषि लोग बैठ करके यहीं पर उन्होंने ये भागवत रूपी कथा गंगा में उन्होंने स्नान किया है, इसलिए कहते सुखम विखात अमृत द्रव संयुतम, यद्यपि भागवत क्या था, ये अमृत स्वरूप था,
लेकिन जब इस सुखदेव गोस्वामी के मुंह से कथा निकली ना, कहते इसमें विशेष विशेष रस आ गया ये कथा अमृत में। इसलिए श्री परीक्षित महाराज जो प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न? बोले अतः पृच्छामि संसिद्धिं जोगिनां परमं गुरु पुरुषस्य चत् कर्तव्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। बोले हे सुखदेव गोस्वामी, सबके एक दिन मरने वाले, सबके सब मृत्यु के तरफ में सबके सब चल रहे हैं, जो मरने वाले व्यक्तियों का क्या कर्तव्य है? इसलिए आप कृपा करके बताओ, जगत में जितना वस्तु जिसको मिल जाए ना, देखना किसको कोई तृप्त नहीं होता है। हम कहते ना कमाई करो, कमाई मतलब क्या? कम आई ज्यादा आनी चाहिए। कहते ना कमाई, कमाई मतलब कम आई और ज्यादा आनी चाहिए। ये जगत में जितने जिसको मिले, आप टाटा बिरला को पूछ लो, अंबानी कंपनी को, अरे तुम तृप्त हो गया जितना पैसा मिला? कोई नहीं बोलेगा हम तृप्त हो गए, है क्योंकि ये वस्तु ऐसे है। लेकिन इनका प्रश्न है, जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने के बाद जीव का हृदय पूर्ण हो जाए, उनको ये लगे जीवन में किसी चीज की मेरी कमी नहीं, अभी हम संपूर्ण पूर्ण है, संपूर्ण आनंद में है, संपूर्ण। इसलिए कहते अतः पृच्छामि संसिद्धिं। संसिद्धिं मतलब होता है जम लब्ध्वात चापरम लाभम मन्नत अधिकम तत्, जिसको पाने का बाद और कोई चीज पाने की इच्छा नहीं रह जाए, वो पूर्ण अपने आप को समझे। और परम शांति, आत्मा को परम शांति कैसे प्राप्त हो, जीव को क्या करनी चाहिए और जीव को क्या नहीं करनी चाहिए, मैंने जो पूछा और नहीं पूछा, आप कृपा करके इसका उत्तर दो। श्री सुखदेव गोस्वामी ये प्रश्न सुनकर के इतने प्रसन्न हुए, बोले बरियान ऐसा प्रश्न, बोले बाह तुमने क्या प्रश्न किया है, जिस प्रश्न को विश्व ब्रह्मांड में आत्मबीत सन्मत पुंसांग, जो आत्मा में रमण करने वाले जो जीव है, वो भी जिस प्रश्न का उत्तर करके, तू कितना सुंदर तुमने प्रश्न किया, जिसको सुनकर मेरे हृदय गदगद हो गया। फिर उन्होंने पूरी उन्होंने ये भागवत कथा कहां पर सुनाया, यहीं पर बैठ करके ये श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक उन्होंने कथा सुनाया। इसलिए हम लोग बहुत सौभाग्यवान, आज गंगा दशहरा, गंगा दशहरा, गंगा की प्राकट दिन आज है, दूसरे दिन गंगा में नहाने का जो फल है ना, आज में नहाने का करोड़ों गुण ज्यादा फल है। क्यों? आज क्या दिन गंगा देवी आज स्वयं जगत में प्रकटित जगत में हुई है, हैं? इसलिए आज का दिन एक गंगा माता गोस्वामी ने भी हुए, आज भी गंगा उनके लिए, वो जगन्नाथपुरी में रहती थी, उनका प्रतिज्ञा थी कहीं मैं जगन्नाथपुरी छोड़कर नहीं जाऊं उनको। लेकिन आज का दिन सब लोग दुनिया जा रहे थे गंगा में स्नान करने के लिए, आज गंगा दशहरा है, उनकी मन में इच्छा हुई भैया मैं भी गंगा दर्शन के लिए जाऊं, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा की थी क्षत्र सन्यासी, मैं पूरी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसे भक्ति करने वाले थी, गंगा देवी स्वयं उनको स्पर्श करने के लिए, है कहते ना गंगा को पवित्र करने वाले संत हैं, गंगा देवी स्वयं वहां पर जगन्नाथपुरी गए। कौन कौन गए जगन्नाथपुरी? इतने गए, और कौन जाना चाहते हैं वो सब ले जाएंगे। इस बार तो रथ यात्रा में कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, अगली बार आप सबको ले जाएंगे। कहते क्योंकि जगन्नाथ जी जो रथ को भरे ना, वैसे मंदिर में तो दर्शन होता है, लेकिन रथ में कहते एक बार जगन्नाथ जी को रथ में कोई दर्शन करे, कहते पुनर्जन्म न विद्यते, उसको जगत में पुनर्जन्म नहीं होता है। उस रस्सी का जो रस्सी है ना जगन्नाथ जी का, उसको केवल छू अगर कोई ले, अगर केवल रस्सी को कोई छू दे, कहते जन्म मृत्यु से मुक्ति हो जाएगा। इतने महत्व है जगन्नाथ जी, साक्षात जगन्नाथ जी, देखो जगन्नाथ जी बैठे, इनके चरण से ही गंगा स्वयं प्रकट हुआ। वहां पर गंगा जब प्रकट हुई, गंगा स्वयं प्रवाहित होकर के आई और इनको दर्शन करने के लिए, और उन्होंने आज का दिन वहां पर भी एक श्वेत गंगा है गंगा जहां पर प्रकट हुई थी, आज इतने पवित्र दिन है ना, आप लोग समझो करोड़ों करोड़ रुपया अरब रुपया देने पर भी आज जो लाभ तुमको मिल रहे हैं, ये लाभ कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ कथा हुई थी हम वहीं पर बैठे, और गंगा जी जिस दिन प्रकट हुई और उसी दिन हम सबके सब गंगा में नहाने के लिए आए। इसलिए बहुत आज बहुत बहुत हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। बोले श्री गंगा देवी की जय। और आज और एक बहुत अच्छा दिन है, देखो हम लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे बड़ोत में हमारी कोई मंदिर हो, ठाकुर जी का कोई एक मंदिर हो, कोशिश तो कर रहे थे हैं, प्रेमचंद ने बहुत कोशिश किया, वहां पर खुदाई भी कर दिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। मुझे लगता है ठाकुर वहां पर बैठना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उसको इच्छा के बगैर तो पता भी नहीं हिलता है। लेकिन ठाकुर जी जैसे कहते ना,
दुर्योधन की मेवा त्यागे साग बिंदु घर का कहते ना, दुर्योधन उनके लिए छापान भोग 36 व्यंजन बनाया था, ठाकुर देखे ही नहीं, लेकिन गए कहां पर, बिद्रु के घर में गए, साग भाजी खाए, केले का छिलका खाए ठाकुर जी हैं। जब खिलका छिलका खिला रही थी कौन बिदुरानी, उसमें बिद्रु आ गया, बोले तू पागली क्या कर रहे हो, भगवान आए और केले का छिलका खिला रहे हो, वो तो हो हुदबुद थी नहीं, वो तो प्रेम से खिला रही थी, उसको जो हुदबुद हुआ केला खिलाना शुरू कर दी, तो भगवान कहते विदुर मैं केले ही नहीं खाता हूँ, केले का छिलका नहीं ग्रहण करता हूँ, मैं तो केवल प्रेम का ही भूखा हूँ, प्रेम की भूखे ठाकुर जी हैं, प्रेम के भूखा हूँ, इसलिए मुझे लगता है ठाकुर जी वहां से ग्रहण करना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी भक्तों का सेवा लेना चाहते थे, वो भक्त है हमारे बीच में बैठे हुए, क्या नाम प्रभु जी का, क्या आदेश गुप्ता जी, इधर आ जाओ, ये प्रभु जी इनके जगह पर हम लोग, हाँ हम लोग मंदिर बनाएंगे इनकी जगह पर, मुझे लगता है ठाकुर जी इनसे ही सेवा लेना चाह रहे थे, इसलिए ठाकुर जी कहीं नहीं लिए, प्रभु जी हैं इनकी जगह पर हम लोग मंदिर बनाएंगे, लेकिन प्रभु जी थोड़ी सी कृपा करें इसका रेट सही लगा देंगे तो हम लोग, प्रभु जी नहीं प्रेमचंद प्रभु हमारे सामने इनको फोन किया था, जब फोन किया था क्या लगाएंगे, लेकिन प्रभु का बात सुनकर मेरे बहुत अच्छी लगी, प्रभु जी बोले आप जो देंगे हम ले देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे इसलिए ठाकुर जी हम तो प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी इनको खूब भक्ति दे, जिन्होंने नवद्वीप भी आए, इनको नवद्वीप धाम में आए, गंगा सागर भी गए, गंगा सागर भी हमारे साथ में गए, इसलिए देखो चोटी रखे हैं और भगवान को गले में तुलसी कंटी भी है, तिलक लगाते हैं, माला भी जप करते हैं, इसलिए ठाकुर जी इनको खूब आशीर्वाद दे ठाकुर जी, और खूब फलते फूलते रहे और परिवार में खूब ये शांति सुख में ये परिवार, इनके लिए जोरदार और ताली बजाओ, हाँ जी कुछ बोलो खाजा जल्दी आओ, 2 मिनट बोल दो, हाँ हम लोग ना यहीं पर प्रसाद पालने के सवेरे से आप लोग कोई भोजन नहीं किया है, जल्दी आ दो, इसलिए यहीं पर हम प्रसाद पा करके ना यहीं से 5-7 मिनट का रास्ता गंगा है, हैं फिर हम लोग गंगा में स्नान करके और वो जो पट वृक्षा है जिस वृक्षों के नीचे सुनाए थे वहां पर गंगा में स्नान करेंगे और प्रणाम करते हुए फिर यहीं पर आ जाएंगे, फिर यहीं से हम वापस जाएंगे, अगर हमारे पास ज्यादा टाइम होगा ना फिर हम लोगों ने जो रास्ता में जो क्या है लाक्षागृह है पंच पांडवों को जहाँ पर जलाने के लिए कोशिश की, जिस सुरंग से पांडव लोग चले गए तो रास्ता में ही है, अगर हमारे पास समय होगा तो हम कोशिश करेंगे उसको भी दर्शन करते हुए उतरना, दर्शन करना और जाना, ठीक है, और वहां पर द्रौपदी का जैसे रसोई बनाया करती थी वो रसोई भवन भी है, पंच पांडव जहाँ रहते थे वो भी वो स्थान है, वो पंच पांडव का चरण स्थल ही है, होगा तो उसको भी दर्शन करते हुए हम लोग जाएंगे, ठीक है, हाँ आप लोग जहाँ से हम लोग को बस पर आने नहीं दिया ना, आप लोग को तो आने दिया, उस स्थान का नाम है मोरना, मोरना नहीं उसका नाम मोरना, मोरना से हो गया मोरना से हो गया मोरना से हो गया मोरना, जिस समय परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाए, श्री कश्यप ऋषि को पता चला इनको अभिशाप लगा है श्रृंगी ऋषि के मरने वाले तक्षक दर्शन करने वाले, लेकिन ऋषि बड़े प्रताप ऋषि थे, ये बात सुनकर के आज आए, जब आए इतने में तक्षक को पता चला ये जो ऋषि है ये मरते हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने देखा अगर मैं काट दिया अगर फिर ये जिंदा कर दिया तो काटना मेरा बेकार हो जाएगा, इतने में वहीं पर आकर के कश्यप ऋषि से वहीं पर आकर के तक्षक ने वहीं पर मिला, बोले कहां जा रहे हो, बोले हमने सुना परीक्षित महाराज को अभिशाप मिला है उनको तक्षक दर्शन करेगा, बोले आप क्यों जा रहे हो, बोले मेरे पास में ऐसे दवा है 2 बार जिंदा कर सकता हूं, बोले ऐसे दवा, बोले हाँ, बोले प्रमाण क्या, बोले क्या चाहते हो प्रमाण, इतने में उठा तक्षक ब्राह्मण रूप लिया था उन्होंने तक्षक रूप धारण किया और एक वृक्ष को उन्होंने काटे और काटते ही वही पर जल करके वृक्ष राख हो गया, बोले बचाओ इसको, बास कश्यप ऋषि अपना बटुआ जड़ी बूटी को निकाले, जड़ी बूटी को निकाल कर घोट करके ऐसे मंत्र पुत्र करके उसको पर छोड़ दिया ना, वो मरा हुआ वृक्ष भी 2 बार एकदम हरा भरा हो गया, तक्षक ने देखा बाबा रे ये तो बड़ा ताकतवर, फिर तो मैं काटूंगा 2 बार जिंदा कर देगा, फिर तो गया अभिशाप तो नष्ट हो गया, और ब्राह्मण थोड़ी लोभी होते हैं, बोले किस लिए जा रहे हो, पैसा के लिए तो जा रहे हो, चिंता मत करो, उन्होंने हीरे जवाहरात से उन्होंने क्या किया उनको झोली को भर दिया, इतने हीरे जवाहरात दे दिया, वो देख रहे तो बोले बाबा रे वहां पर भी इतना नहीं मिलेगा, इतना पैसा मिल गया, बोले अब यहां से चले जा, तो उन्होंने मोरना मतलब मोरना वहीं से ही कश्यप ऋषि ने वहीं से मोड़ करके वहीं से
चले गए थे। इसलिए जिस दिन से उन्होंने घूस लिया ना, रिश्वत लिया है, तब से ऋषि मुनियों का जो मंत्र, सारी ताकत खत्म हो गया। एक तो वहां से एक ताकत खत्म हो गई, दूसरा जो श्रृंगिरी ने अभिशाप जब दिया, जब श्रमिक ऋषि को पता चला इन्होंने परीक्षित महाराज इतने बड़े कृष्ण भक्त को उन्होंने अभिशाप दिया, उन्होंने भी अभिशाप दे दिया, मैं भी अभिशाप देता हूं, जो ब्राह्मण का वाक्य में जो पाक शक्ति वो भी नष्ट हो जाए, तभी से पाक शक्ति भी नष्ट हो गया और विद्या भी नष्ट हो गई। इसलिए उसका नाम है मोरना, वहीं से चले गए थे। जीत पर उसका कथा सुनाएंगे, उसके बाद हम प्रसाद भक्त गाएंगे। सही बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरु पार्वत मित्र लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शिष्यवत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी में गुरु महाराज के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर्ग के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ, उनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हमारे पूज्य पाठ श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण में प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव लोग, वैष्णवी माताएं दीदी लोग, प्रभु लोग, पतित पावनी गंगा देवी, सभी के चरणों का स्मरण करता हूँ और सभी के हेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हम लोग यहाँ पर विशेषकर गंगा स्नान करने तो आए हैं क्योंकि आज क्या है, गंगा दशहरा है और एक लोभी ये भी है कि संतों के साथ अधिकांश लोग पाप से मुक्त होने के लिए गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, ज्यादातर लोग। परंतु पाप तो गंगा जी में बड़ी शक्ति है, जैसे कि हम सुबह बता रहे थे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारल तरल तरंगे शंकर मौले निवासन विमोले मम मति रास्ताम तब पद कमले। स्वयं शंकराचार्य ने कहा है कि जो गंगा देवी है, गंगा देवी के स्पर्श से भी कोई अगर वायु भी लग जाए तब भी पाप दूर हो जाते हैं, और उनकी एक एक जो लहरी है, एक तरंग है, अगर किसी छुटके भी गिर जाए तब भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। पर अधिकांश लोग हमारे जो विशेषकर गौड़ी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु की धारा में हम लोग आए हैं, वो भक्त लोग क्या है, पापों से ना तो डरते हैं ना ही पाप करने की उनकी प्रवृत्ति है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, ना ही मांगी देह सुख विद्या धन जना, ना ही मांगी स्वर्ग और मोक्ष, ना ही मांगी ना करी प्रार्थना कौन विभूति लागी। वो कहते निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, जन्मे तब नाम गुण गाई। भक्ति विनोद ठाकुर कहते प्रभु जो जो मैंने कर्म किए उनको मेरे को फल दो, मैं कोई चिंता नहीं करता, मेरे को फल आप मेरे जो मैंने कर्म किया उसकी मेरे को सजा मत दो, परंतु एक ही कंसीशन चाहता हूँ, एक ही वस्तु चाहता हूँ, मैं जहां भी रहूं जिस स्थान पर भी रहूं आपके शुद्ध भक्तों का संग और आपकी भक्ति मेरे हृदय में विराजमान रहे। तो भक्त लोग पाप से भी डरते, पुण्य से भी, क्योंकि पाप तो करते ही नहीं भक्त लोग, पुण्य से भी आदि आदि दूर रहते हैं। परंतु भक्त लोग क्यों आते हैं, भक्त लोग क्यों आते हैं कि भक्त लोग दो कारणों से आते हैं। जैसे हमारे जैसे जीव जो बद्ध जीव है वो गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है, और भगवान के चरण कैसे हैं, भगवान के चरण बड़े ही सुखदायी हैं, अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण दे। जिस प्रकार से भगवान के चरण कमल समस्त जीवों को अभय प्रदान करने वाले, ऐसे ही जो भगवान के चरणों से निकली गंगा जी है वो भी क्या करती है, अभय प्रदान करती है। पर जो मुक्त जीव आते हैं वो किस लिए आते हैं, क्योंकि बताया कि उनके जो गंगा जी में तो पाप होंगे तो गंगा जी बहुत सारे पाप इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनके हृदय में गोविंद का विश्राम होता है, वो स्नान करते हैं तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। पर वो क्या करते हैं, वो किस लिए आते हैं, क्योंकि जितने महान संत होंगे वो ये नहीं सोचते कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ और मैं पाप गंगा जी को मुक्त करने के लिए आया हूँ, नहीं, वो क्या सोचते हैं, जैसे ही गंगा जी को देखेंगे उनके तरह तरह से भगवान के चरणों से निकली है उद्दीपना होने लगती है और भगवत स्फूर्ति होने लगती है और भगवान की स्तुति करने लगते हैं और गंगा जी की स्तुति करने लगते हैं, तो उनके भगवान के चरणों के में जो चिन्ह है और भगवान की जो महिमा है वो गंगा के स्पर्श से दर्शन से उनके हृदय में एक के बाद उनके हृदय में लहरी उठने लगती है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, भगवत स्मृति के लिए, भगवत उद्दीपना के लिए और सारे जीवों के मतलब ये शिक्षा देने के लिए
कि भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का चरणामृत, गंगा जी भगवान का चरणामृत है, इसकी क्या महिमा है, दिखाने के लिए इस जगत में आते हैं। और जैसे महाराज बोले थे भगवती गंगा, ये तो गंगा देवी है और कथारूपी गंगा, दोनों का संगम हम जहां पर आए हैं, यहाँ सुखदेव गोस्वामी थे, इतने सारे ऋषि मुनि, नारद जी, व्यास देव, सुखदेव, परीक्षित महाराज और कहाँ का ब्रह्मा जी, सारे भक्त लोग यहाँ पर सुनने के लिए आए, इतने बड़े बड़े संतों के चरण धूली है, तो यहाँ पर हम आए हैं, हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं, गंगा जी का चरणामृत मिलेगा, गंगा जी में स्नान मिलेगा और यहाँ पर भक्तों का चरण धूली हमको प्राप्त होगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज महाराज जी ने बताया गंगा माता गोस्वामी कैसे, वो भगवान जगन्नाथ जी की सुबह भी हम सुन रहे थे, कैसे गंगा माता गोस्वामी कैसे भक्ति क्षेत्र संन्यास ले लिया, परंतु भगवान कितने दयालु हैं, स्वयं उनको अपने चरणों से निकले ना, कितने सारे प्रमाण है, श्वेत गंगा में वहां स्नान कराया, वहां की लहरी आके जगन्नाथ जी के अंदर लेके चली गई उनको, और सारे कल 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 की नहर बहुत तेजी से बहाव आने लगा, सब लोगों ने कहा, वो सेवकों ने बोला अरे जगन्नाथ जी के मंदिर में क्या हो गया क्या हो गया, तो पट खोला देखो चोरी करने कोई आया, तो सब लोग वहां से चले गए, गंगा जी की आवाज बंद होगी और वहां पर गंगा माता गोस्वामिनी जो वो वहां पर थी, चुपचाप खड़ी थी हाथ जोड़कर, उन्होंने कहा ये किस लिए आई, चोरी करने आई है क्या, तो उनको पकड़ के जब लगा भगवान उनके राजा के सामने उपस्थित किया, तो भगवान ने सपना दिया अरे ये मेरी परम भक्त है और ये गंगा दर्शन करने जा नहीं पाई, इसलिए मैंने इनको अपने चरण, मेरे गंगा कहाँ से निकली है, मेरे चरणों से तो निकली है, जो मेरे चरणों की निरंतर सेवा करते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर बुलाया, फिर राजा ने उनको प्रणाम किया और उनसे दीक्षा लिया, तो इसलिए गंगा जी की, भगवान की भगवत वत्सलता की बड़ी बड़ी महिमा है जो हम लोग यहाँ पर श्रवण करने आए हैं। अभी सबको भूख भी लगी है, प्रसाद भी पाएंगे और हम लोग गंगा स्नान करेंगे, आज गंगा जी की पूजा करेंगे, गंगा दशहरा फिर दर्शन करते हुए जाएंगे। बोलो पतित पावन गंगा देवी की, आदि गुरु ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास देव, सुखदेव, परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी, स्वर्णक आदि विदुर मैत्रेयी की जय, गुरु महाराज की जय, उनके बाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज की जय, गंगा माता गोस्वामिनी की जय, जय भक्ति विधान स्वामी महाराज की जय, गौर प्रेमानंद, बोले राधा गोविंद महाराज की जय। देखो अगर प्रभु जी की अगर कृपा होगी, हम सोचे अभी जो त्रयोदशी आएगी, त्रयोदशी में कोई काम कर सर्वसिद्धि है, और जो कल है साल का सबसे बड़ा जो एकादशी कल है, उसका नाम पांडवा निर्जला एकादशी, अगर ये एकादशी को कोई करे ना, साल भर का एकादशी का फल उसको मिलेगा, कल का जो एकादशी, जो कुछ मांगोगे एकादशी करके, ऐसे कोई चीज नहीं जो एकादशी दे नहीं सकती, धन दौलत पुत्र परिवार सब देती है और भगवान की भक्ति देती है, इसलिए कल सबके सब सबसे बड़ा एकादशी पांडवा निर्जला, पांडव लोग जिसको पूरा निर्जला एकादशी कल होगा, तो आप सबके सब कोशिश करना जितना दूर हो सके निर्जला रखने के लिए जितना समय रह सके, अगर रहा नहीं गया तो थोड़ी सी फल नहीं तो जूस पी लेना, अगर निर्जला रह जाओगे तो बहुत बड़ी, क्योंकि कल का एकादशी सबसे बड़ी। हाँ, और अगर ये सबका इच्छा होगा, हम सोच रहे थे अब जो त्रयोदशी आएगी, दिन अच्छी है होगा तो प्रभु जी का जो जमीन है हम होगा तो उसी दिन वहाँ पर यज्ञ करके और वहाँ पर भीति स्थापन करते हुए इन लोग हाथों में, और जितने हमारे से भक्त लोग हैं, जो हमारे जितने सब आप लोग बोल देना, ठीक है प्रभु जी, हम जाकर मंदिर में बैठ कर कल अच्छे तरह से विचार कर लेंगे और सब भक्तों को बुला करके और त्रयोदशी का दिन वहाँ पर कोशिश करेंगे भीति को स्थापन करने के लिए और भगवान का मंदिर जल्दी जल्दी बन जाए, ठीक है, और ठाकुर जी वहाँ पर बैठे और आप लोग आए और खूब हरि कीर्तन हो, ठीक है, आप लोग अभी अपना अपना जो घर से